ये आप देख के आप किसी भी हलके में चले जाएं, जो भी एमपी है एमएलए है उनके आप थानों में चले जाएं, उस पर मिनिमम 5 केसेस होंगे, जिसमें से 3 उस पर मर्डर के होंगे, 2-3 उस पर कब्जे के होंगे, डकैती वारदात के होंगे, जो भी इश्तियारी भागेगा वो उसके पास रुको हुआ होगा, और जो बंदे खुद ही करप्ट हैं वो आपको क्या कुछ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? रजा नकवी। रजा नकवी साहब, रजा नकवी साहब, इस वक्त मुल्की हालात को आप किस नज़र से देख रहे हैं, जो सबके सामने या जो हालात बने हुए हैं किस नज़र से देख रहे हैं? अफसोस, सद अफसोस, हमें इन्हीं नज़रों से देखना पड़ रहा है। रात में बाइक पर जा रहा था, ऑफिस से मैं वापस निकलूँ, ड्यूटी से वापस निकलूँ, पुलिस वाले मारने के लिए भागे हैं, आंसू गैस बगैर वजह के मैंने खाया, तो ये सब कहानी किसके लिए है? इस चीज़ की आज तक मुझे समझ नहीं आई, ना ही कभी पाकिस्तान के अवाम को समझ आएगी। और ये जितना कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ सभी जो बैठे ना सियासतदान, ये चूरन बेचने के चक्रों में सारी अवाम की पंजाब में कहते हैं रेडी निकाली हुई है इन्होंने। क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? यही कहा जा सकता है कि जी अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है तो सही दिया होगा। सही दिया होगा या सही दिया है? दिया होगा कह सकते हैं, क्योंकि अगर मरियम औरंगजेब के बारे में सुना तो वो कहती है कि हम पर पुलिस चढ़ दौड़ी थी। अब वो कैसे चढ़ दौड़ी थी ये अब उनको पता है। वो कहती है जी नवाज शरीफ को पकड़ा गया, जरदारी जो प्रेसिडेंट थे हमारे, जरदारी साहब को पकड़ा गया, तो उनके पीछे कहानी क्या है? हालांकि इनके अपने इतिहाद में बिलावल भुट्टो जरदारी क्या फरमा रहे हैं, वो कहते हैं जी नैब को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इमरान खान तरीक इंसाफ को कलदम नहीं करार देना चाहिए, वो सही चले। अब ये इनके आपस में ही सारी चीज़ें ताना बाना नहीं मिलता तो ये आवाम को कहाँ से सीधा लेके चलेंगे? और ऊपर से जो आजकल कंडीशन हो चुकी थी पाकिस्तान की, अब देखें कि एक एमरजेंसी के नज़दीक तरीन हम पहुँच चुके थे, और कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि कुछ इसके साथ सीन ऐसा क्रिएट किया जाए खान साहब को कि उनको रास्ते से हटा दिया जाए, एमरजेंसी लगाई जाए, अवाम को किसी ये मुश्किल जो अवाम है उनको कंट्रोल किया जाए, और उसके बाद मुल्क के खुदा न खास्ता टुकड़े कर दिए जाए। तो इसके बारे में अब कौन क्या कहे ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो जो सो कॉल कहते हैं जी पीछे इसके बैठ के सारे नक्शे बना रहे हैं इन चीज़ों जी, अखंड भारत, भारत का तो ख्वाब उनका है, हमारे हमसाया मुल्क का, कि वो ऑब्वियसली उस पर कोशिश करेंगे, और ये मैं समझता हूँ कि एक जो हालात है ये उन्हें दावत देने वाली बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी इतनी अभी कमज़ोर नहीं है कि वो अपना अखंड भारत का ख्वाब पूरा कर सके। ये आपकी बात बिल्कुल बजाय कमज़ोर नहीं है, लेकिन आपके जो वफाकी वज़रा हैं वो कहते हैं जी हमारे पास तो ये चलाने के लिए अपनी जो तोप वगैरह हैं, जो हमारे टैंक उनको चलाने के लिए हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी आर्मी जहाँ भी जाती है, हमारे जैसे जी कमांडोज हैं, ये जितने भी हमारे आर्म फोर्स के मेन नुमाइंदे अब जो जहाँ भी जाते हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट होकर आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा स्नाइपर हो गया, हमारे SSG कमांडोज हो गए, वो टॉप वन पे हैं, पूरी ISI हमारे टॉप नंबर वन पे है, वो टॉप वन पे हैं, तो ये जो हालात हो गए हैं ये कहाँ से हो गए, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। टॉप वन पे हैं इसमें कोई शक नहीं है, अगर हमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं USA वो भी मानता है इसको, हमारी ये जो हसास दार है वो पहले नंबर पर है, तो उसके पीछे कोई चीज़ है तो वो पहले नंबर पर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अखंड भारत, अखंड भारत को कैसे, उनके पास अभी कोई 15 मिलियन मैक्सिमम बंदे होंगे वहाँ पे मुसलमान होंगे, जब 20 मिलियन कर लें वो तो उनसे संभाले नहीं जाते, और ये जो पाकिस्तानी हैं सुभान अल्लाह ये इनको संभाल लेंगे वो, ठीक है उनके वो ख्वाब सही है। वो ये भी कहते हैं कि उनके पंजाब के को 2 लख्त कर दिया गया, पंजाब को दो टुकड़े कर दिए गए, वो बम्बई के साथ जो कैद अजम मोहम्मद अली जिनाह जो 14 पॉइंट में मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है कि जी सिंध को बम्बई से अलहदा किया जाए, वो अलहदा करने को दोबारा साथ मिलाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाए। यार अगर बन जाए तो मैं ये कहूँगा, अगर आप हकीकत देखें करेंसी तो बेहतर होगी, हम ये भूखे पेट तो नहीं सोएंगे रात को, हमारे ये जितने भी गरीब अवाम है, बल्कि आप यूं के हर बंदे ही गरीब है। आप नहीं समझते अगर अखंड भारत का ख्वाब पूरा होता है तो ये मुल्क कश्मीर बन जाएगा, फलस्तीन बन जाएगा? कश्मीर फलस्तीन बने कम अज कम हम मुसलमान तो हो जाएंगे, हमारी अखंड भारत होगी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है कुछ तो बेहतर हो जाएंगे। हमें ये चाहिए था कि हम जिस हालत में अभी चल रहे थे, हम आप पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे बड़ी हमारी आबादी है, तो हम क्यों नहीं 5वें नंबर पे IT में सबसे बड़े, हम क्यों नहीं 5वें नंबर पे इकोनॉमी में सबसे बड़े? तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना, जो बैठे हैं ऊपर सो कॉल्ड हमारे सियासतदान हैं, वो जो जद्दी पुश्ती सियासत लेके चल रहे हैं। एक का दादा है, दादा था अगर कोई चेयरमैन किसी उसका पार्टी का, तो उसका आगे बेटा हो गया, फिर उसका बेटा या किसी की बेटी है, तो इवन के उसके बेटी का आगे कोई बेटा पैदा हुआ तो उसके बारे में सोचा जा रहा है उसे भी इस साइड पर लेके आ जाए, इस तरह तो नहीं चलता यार। अगर सियासत करनी है तो सियासत सीखे आप अपने इस्लाम से सीखे, 1400 साल पहले सीखे, दुनिया में सबसे पहली जो बेहतरीन रियासत जिनको काफिर भी मान रहे हैं
रियासत मदीना वो कहाँ से है? इस्लाम सभी कहते हैं इस्लाम और सियासत अलहदा, मैं कहता हूँ कभी नहीं, सियासत और इस्लाम इकट्ठा होगा तो हम अपनी रियासत मदीना बना सकते। सियासत इस्लाम का हिस्सा है लेकिन सियासत का मकसद जो है वो शायद हमारे जो सियासतदान है उन्हें नहीं पता, क्योंकि सियासत का जो मतलब बनता है वो बनता है अवाम की निगहदाश्त। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अवाम की निगहदाश्त, लेकिन कौन निगहदाश्त करे? ये आप देखे, आप किसी भी हल्के में चले जाएं, जो भी MP है MLA है उनके आप थानों में चले जाएं, उस पर मिनिमम 5 केसेस होंगे, जिसमें से 3 उस पर मर्डर के होंगे, 2-3 उस पर कब्जे के होंगे, डकैती वारदात के होंगे, जो भी इश्तियारी भागेगा वो उसके पास रुको होगा। और जो बंदे खुद ही करप्ट हैं वो आपको क्या कुछ देंगे? जो बंदा खुद मर्डर करके बैठा है यार, अगर तीन उस पर केस है, एक तो हक का ही होगा ना, 2-3 आप मेरे जैसे जो उसके मुखालिफ उन्होंने किया, तो वो कहाँ से आया? कोई साफ पाक दामन कोई बंदा तो आगे आए, हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हम में से कोई, मैं ये चाहता हूँ कि कोई हमारी ऐसी जो लीडरशिप है जो कम अज़ कम पाक दामन हो, लेकिन अफसोस ये है कि जिस बंदे ने 10 करोड़ लगाना है अपने इलेक्शन पर, वो 20 करोड़ नहीं निकालेगा हमारे टैक्स में से। जब 20 करोड़ निकलेगा तो डॉलर आपका वैसे 300 रुपये पर आया हुआ है, ये और 300 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? वही पुराने दौर में हम चले जाएंगे स्टोन एजेस में, जहाँ पूरी दुनिया आज से 100 साल आगे फैल रही है, हम 200 साल और पीछे चले जाएंगे, हम पत्ते खा के सो जाएंगे। वेपन की क्या ज़रूरत है? एटॉमिक एनर्जी हमारे पास है, वही हम थोड़ी थोड़ी सारे जितने आवाम में लेंगे, खाएंगे, मरेंगे, बाकी तो आज़ाद होंगे, बाकी तो सुकून से गुजारेंगे। अब हालात आप सबके सामने हैं, आप भी देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये मज़ीद ख़राब होने की तरफ अभी जा रहे हैं या बेहतरी जल्द हो जाएगी? जो पिछले दिनों से हालात चल रहे हैं, ये मुझे नहीं दिखाई देता कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर दो इतनी सबसे ज़्यादा जाने दुश्मन जिन्हें आप कह सकते हैं, जो दो जमातें थीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, कोई किसी को घसीटना चाहता था, कोई किसी का पेट फाड़ के पैसे निकालना चाहता था, वो आज दोनों इकट्ठे बैठे हैं और एक दूसरे को वो कलमे गा रहे हैं जी, फलां इतना अच्छा है, फलां के साथ वो साफ 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 कह रहे हैं, ठीक है। वो अगर इकट्ठे हो गए, उनके इकट्ठे होने पे कहा यह गया था जब वो पहली दफ़ा वो PDM बनी थी, जी आपकी मईशत बेहतर हो रही है, इसहाक डार साहब वापस आए तो उन्होंने कहा था जी शुक्र है जी इतने रुपए डॉलर कम हुआ है, इतने 100 अरब के हम जो कर्जा हमारा था वो कम हुआ है, उस वक्त 170 के नज़दीक था, अब 296 है, अब कहाँ पर गया कर्ज़ा? वो कर्ज़ों के लिए फिर हम कर्ज़ा लेते हैं और फिर कर्जे पर लगाते हैं। आप सर मुझे ये बताएं, अवाम मुझे ये बताएं कि हमने IT में क्या काम किया? पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है, AI पे जा रही है, हमने क्या काम किया? आप जिसको आंखें दिखा रहे हैं अपने हमसाए मुल्क को, उनको आप देखें, जितने भी दुनिया में जो भी अमीर तरीन इंसान है ना, वो सॉफ्टवेयर से, ये इंटरनेट से, ऑनलाइन से बना है वो, ठीक है। उसके जितने गूगल का CEO देखें इंडिया का, माइक्रोसॉफ्ट का देखें इंडिया का, फेसबुक का देखें इंडिया, आपने क्या किया है? AI पे कोई काम नहीं है, IT पे कोई काम नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी 0/0, वो उसमें एक बात करता है वो मैं लाजमी 0/0 ही आप करें, तो ऐसे तो नहीं होगा। जो हमारे मेरे दादा ने अगर कोई तलीम हासिल की थी, ठीक है, वो आज मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं, तो इस तरह कैसे हो सकता है? अब इंडिया अगर आगे गया तो वो कैसे गया? उसने 20 साल, पूरी 20 साल उसने अपने अवाम पर लगाया है, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें फीड करके उन्हें वो बिज़नेस वाली साइड पे लेके आया। मैं अगर MA इंग्लिश हूँ, मैं अगर MA इस्लामियात हूँ, मैं अगर MA उर्दू हूँ, मैंने अगर इंजीनियरिंग भी किया है ना, ठीक है, तो मेरी सोच यही है कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन वहाँ पे बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो आगे हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्टडी इसलिए करते हैं कि उनको इल्म मिले और वो अपना काम कर सकें। ये नहीं है कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं जी नौकरी कर लूँगा। और आजकल जो हालात हैं, जो इंटर्नशिप करते हैं, वो जो आप एक सेमेस्टर की फ़ी पे करते हैं, उसका मैं कहता हूँ 2% भी नहीं इंटर्नशिप पे, 6 साल उस पर लग जाते हैं, 6 साल बाकी रहते हैं आपके जॉब के, वो एक्सपीरियंस आप उसमें ऐड करते हैं, आपकी मैक्सिमम 40,000 तक सैलरी जाती है, एवरेज पाकिस्तान में एज है 50 साल, 40 साल तक आप यहाँ 10 साल में आप क्या उखाड़ लेंगे? इस तरह तो नहीं होता। ये बुनियाद से ही सारा कुछ ठीक होगा। ये जितने सियासतदान है, एक नई पौधा है, जिस तरह एक हमारा हमसाया मुल्क ने सारे सियासतदानों को पकड़ के सीधा करके नई सारी सेटिंग की थी ना, ठीक है, उस तरह यहाँ पे हो, नई लीडरशिप आए, यंग जनरेशन आए, जिनका माइंड बिल्कुल क्लियर हो कि हमने मुल्क को, अपनी जो धरती माँ, इसको हमने बनाना है और इस काबिल बनाना है कि जिस तरह हम मुस्लिम दुनिया में, एज पाकिस्तान सबसे सुपर पावर है मुस्लिम दुनिया में,
नाम के सुपर पावर है। आजकल के दौर में एटॉमिक एनर्जी कोई सुपर पावर नहीं, आजकल के दौर में जो जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो सुपर पावर है। वो हम जब इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, सुपर पावर होंगे, तब जाके कोई बात बनेगी। और वो नई लीडरशिप आए, पढ़ी लिखी कौम है, पढ़ा लिखा कोई सियासतदान है, वो हो सकता है। एक पे उम्मीद थी, उसको भी ऐसे ऐसे किस्सों में उलझाए हुए, आप देखिए उसके साथ क्या बने। अल्लाह पाक अज़्ज़वजल हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, और कोई ऐसा लीडर अता फरमाए इस मुल्क को जो कि इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सके।